हेलो, आज हम बात करने वाले हैं सोर थ्रोट के बारे में। सोर थ्रोट क्या होता है, क्यों होता है, बचाव क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सोर थ्रोट होता क्या है। सोर थ्रोट एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो बिना कारणों की वजह से भी हो सकती है और कारणों की वजह से भी हो सकता है। अगर हम कारणों की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, हो सकता है वायरल हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है फंगाई हो। इनकी वजह से कॉमनली हमें सोर थ्रोट की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और इसमें एक प्रकार का साउंड हमारे गले से निकलता है, जैसे तो एक इस प्रकार की जो खांसी के साथ में या बिना खांसी के साथ में एक प्रकार की साउंड जो मैंने आपको बताया, इस तरह की कॉमनली हमें साउंड सोर थ्रोट में देखने को मिलता है। सोर थ्रोट में आपका बलगम गले तक आता है और हम इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको मीठी मीठी खुजली हो सकती है, यानी इरिटेशन हो सकता है, ड्राई कफ यानी खांसी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है। ऐसे मरीज जिनको लंबे समय से ये परेशानी चली आ रही है, उन मरीजों में सोर थ्रोट हमारे फेरिंग्स की पोस्टीरियर वॉल होती है, वहाँ पर छोटे छोटे दाने देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आगे चल के कॉम्प्लिकेशन बनाता है। जिन मरीजों को टॉन्सिलाइटिस की परेशानी होती है उनमें भी सोर थ्रोट की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सोर थ्रोट में सामान्यतः फेरिंजाइटिस यानी फेरिंग्स की सूजन या फिर लेरिंजाइटिस यानी लेरिंग्स की सूजन देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको गले में दर्द देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आपको गले में कुछ निगलते समय या कुछ खाते समय जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, पानी पीते समय दर्द हो सकता है। अब हम समझ लेते हैं इसके बचाव क्या हैं। ऐसे मरीज जो सिगरेट पीते हों, बीड़ी पीते हों, तंबाकू खाते हों, अल्कोहल लेते हों, इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है उसके साथ में तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी अगर अल्कोहल पीता है तो ऐसे मरीजों में ये ठीक होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, यानी धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके आप उसे गरारे कर सकते हैं। कम से कम 2 या 3 बार आपको दिन भर में ये करना है। इसके अलावा ठंडी चीज़ें खाने से बचें, जो ठंडे प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, थोड़ा उनको खाने से बचें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कभी भी बाज़ार में जाएँ, मार्केट में जाएं, और अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो मास्क लगा कर जाएं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, जैसे दूध खाने के बाद में आपको परेशानी होती है, तो आपको दूध अवॉइड करना चाहिए। फिर आपको ऐसे टाइम पर दूध पीना होगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। इस तरह से आप इसका बचाव कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको इसके अलावा कोई अदर प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। थैंक यू।